रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 3, 5 एंड बी 9, 8 बाय यानी हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इन पॉइंट से बनने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसकी हमने लाइन मालूम करनी है। यानी अगर हम कह दें ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ये पॉइंट हैं ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 5, और ये पॉइंट अगर इसको मैं बी कह दूँ इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 9 और 8। अब इसका परपेंडिकुलर बाईसेक्टर क्या होता है जो लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करे। परपेंडिकुलर तो यानी उसका एंगल इसके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब इसके मिड पॉइंट से मैं कट करूं, ठीक है, ऐसे। तो इस लाइन की इक्वेशन मैंने मालूम करनी है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मतलब इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसकी मुझे चाहिए इक्वेशन, तो सबसे पहले मुझे ये पॉइंट का पता होना चाहिए कि ये किस पॉइंट से पास कर रही है ये लाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा चूंकि ये मिड पॉइंट है ए और बी का, तो हम मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं। मिड पॉइंट आप मालूम कर सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 डिवाइड करें तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और वाई में वाई ऐड करके 2 डिवाइड करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 9 + 3 = 12 / 2 = 6, और उसके बाद 8 + 5 = 13 / 2, तो ये पॉइंट है मिड पॉइंट आ गया। मतलब हमें अब उस लाइन का एक पॉइंट मालूम हो गया है जिससे वो लाइन पास कर रही है। अब हमें पॉइंट का पता चल गया, अगर हमें साथ स्लोप का पता चल जाए तो फिर हम कह सकते हैं उसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। स्लोप इसकी क्या होगी, पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो आपको बताया है दो पॉइंट अगर आपको गिवन हो किसी लाइन के तो आप उसकी स्लोप मालूम कर सकते हैं। 8 - 5 क्या बचेगा 3, और 9 - 3 = 6, 9 - 3 = 6 यानी 1/2, ये स्लोप है ए बी की, ठीक है। हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए। अब ये वाली लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इसका नेगेटिव करके रेसिप्रोकल कर दूं तो जो स्लोप मिलेगी वो इस लाइन की स्लोप होगी, ठीक है। बिकॉज वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन अगर उसको मैं m कह दूं वो किसके इक्वल होगी, वो -2 के इक्वल होगी। तो अब हमें स्लोप भी मालूम है, पॉइंट भी मालूम है जिससे वो लाइन पास करे, तो अब इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ y - y1 = m x - x1। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ये पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन, ठीक है। तो y - y1 की जगह क्या है 13/2 इज इक्वल टू m की जगह है -2 और x - x1 की जगह है 6, ठीक है। इसको हल कर लें, ये बन जाएगा 2y - 13 इज इक्वल टू -4x और प्लस का 24, ठीक है, या 4x और प्लस का 2y इज इक्वल टू 37। ये इक्वेशन है इस लाइन की जो इन दो पॉइंट से बनने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन थी, ठीक है, ये उसकी इक्वेशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसके बाद मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, यानी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप अगर उसको मैं m कह दूं, m1 कह दूं, ठीक है, तो वो किसकी इक्वल है -3/2। मैंने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप -3/2 है, यानी जिस लाइन की स्लोप -3/2 है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर है वो लाइन, और वो इस पॉइंट से पास कर उसकी इक्वेशन मालूम करनी है, तो मुझे फिर उसकी स्लोप का पता होना चाहिए। तो उसको अगर मैं क्या कह दूं स्लोप को m2, ठीक है, तो पहले ये पता लगाना है क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यानी जिन लाइंस की जो स्लोप है आपस में वो परपेंडिकुलर है, तो फिर इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, वो -1 के इक्वल होगा। तो m1 मुझे गिवन है -3/2, m2 मैंने मालूम करना है -1, तो यहाँ से m2 किसके इक्वल आ जाएगा,
टू ओवर थ्री के इक्वल आ जाएगा। तो अब मुझे पॉइंट का भी पता चल गया है जिससे वो पास कर रही है लाइन और उसकी स्लोप है टू बाई थ्री। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। अब मुझे स्लोप भी मालूम है, पॉइंट भी मालूम है, तो अब यहाँ पे दर्ज कर दें, पॉइंट यहाँ पे दर्ज कर दें, स्लोप टू बाई थ्री पुट कर दें, आगे इसकी कैलकुलेशन कर लें, तो ये आप इजी से क्वेश्चन नंबर 12 को कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें हमें क्या मालूम करना है? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11, -5 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -24। यानी हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और वो जो लाइन है वो एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप ये है। मतलब फिर उसकी स्लोप भी क्या होगी? -24 ही होगी, क्योंकि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हों तो उनकी स्लोप सेम होती है। तो यही हम स्लोप यूज करेंगे, यही पॉइंट यूज करेंगे, और पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन से इसकी इक्वेशन मालूम कर लें। बार बार यूज हो रही है y-y1 m x-x1। पॉइंट आपको गिवन है y-y1 की जगह माइनस का 5 है, प्लस का 5 हो जाएगा, m स्लोप -24 है और x-11। ठीक है, तो यह बन जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू -24x -- प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 और 264। ठीक है, तो ये बन जाएगा 24x प्लस y और इक्वल टू, इसमें से 5 निकाल लें तो 259। तो ये इक्वेशन है एक ऐसी लाइन की जो इस पॉइंट से पास कर रही है, और इस लाइन यानी ये जिस लाइन की स्लोप है उस लाइन के पैरेलल है ये लाइन। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। ये तीन क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 13 और 14। अगला क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी।